Hello students, today I am going to explain you about the chapter number 8, financial management. Earlier lecture में हमने capital के बारे में देखा था, capital structure, उसके characteristics, importance देखे थे. अब यहाँ पर हम working capital, दो type के capital होते हैं, working capital और fixed capital. तो इस session में हम working capital के बारे में पढ़ेंगे. तो वर्किंग कैपिटल मीन्स जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको अफोर्ड करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. तो वो पैसे जो है वो थोड़े टाइम के लिए हमारे पास रहने चाहिए, और दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द वर्किंग कैपिटल. तो यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन दी गई है. फिक्स्ड कैपिटल मीन्स लंबे समय तक हमारे पास रहती है वो कैपिटल, जैसे कि लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, तो इसके लिए हमें लंबे समय तक कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी. तो वो फिक्स्ड कैपिटल से, हमारे सोर्स से हम सेटिस्फाइड करेंगे. और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि सैलरी देना है, वेजेस देना है, स्टेशनरी एक्सपेंस करना है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो दैट आर द टू थिंग्स. नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू लिंकन, डोरिस एंड स्टेवेंस, तो उनके अकॉर्डिंग टू वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ अ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. करंट असेट्स जो है उसके ज़्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम होती है. सो दैट इज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. अकॉर्डिंग टू जे एस माइल, द सम ऑफ द करंट असेट्स मीन्स द वर्किंग कैपिटल. ओके, तो दोनों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है दोनों ने, वर्किंग कैपिटल को, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल. तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल किसको कहा गया है? यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स ऑफ द बिजनेस, सच एज स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. तो ये सब का टोटल मीन्स, डेटर्स मीन्स हमें पैसे लेने बाकी है, फ्यूचर में आने वाले हैं. बिल्स रिसीवेबल मीन्स हमारे पास बिल है जो फ्यूचर में देने वाले हैं पैसे उसका. देन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मीन्स छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो. सो दैट इज ऑफ वर्किंग कैपिटल. नाउ फॉर्मूला है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स. नाउ नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रोस वर्किंग कैपिटल तो हमने देखा था कि टोटल करंट असेट्स, पर नेट वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा अलग है. नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है. वन मार्क में पूछा जा सकता है, वैसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो व्हेन करंट लायबिलिटीज आर लेस देन करंट असेट्स, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल. मीन्स असेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज कम है, ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ कम होती है, तो दैट इज ऑफ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल. व्हेन द करंट असेट्स आर लेस एंड द करंट लायबिलिटीज आर मोर, सो दैट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल. ओके, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द मीनिंग. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स सम टोटल ऑफ करंट असेट्स सच एज बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एक्सेट्रा. जो हमारी, आपको बैलेंस शीट अगर पता हो तो बैलेंस शीट के अंदर ये सब मेंशन किया गया होता है, करंट असेट्स. देन वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. लिक्विडिटी पोजिशन, लिक्विडिटी मीन्स कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस कंसेप्ट डज नॉट इंक्लूड
द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी। ओके, तो यहाँ पर लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी नहीं फुलफिल करता है, डज नॉट मेंशन, बताता नहीं है ग्रॉस और नेट जो है दैट गिव्स द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे चल रहा है, सद्धर चल रहा है या अधर, सो दैट हैव टू बी डिक्लेयर्ड विद द नेट वर्किंग कैपिटल। देन फाइनेंशियल पोजिशन एंड द मेजरमेंट, पैसे कैसे है बिजनेस के अंदर, पोजिशन कैसी है, दैट डेप्ट कैन बी फुलफिल और नॉट, ये सब। फाइनेंशियल पोजिशन डज नॉट गिव अ ट्रू आइडिया क्योंकि ग्रॉस है, एंड फाइनेंशियल पोजिशंस नहीं बताते हैं, एंड गिव्स द ट्रू आइडिया क्योंकि असेट्स जो होती है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करते हैं, तो दैट गिव्स द ट्रू पोजिशन, और यहाँ पर ट्रू पोजिशंस नहीं बताते हैं। देन इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज बढ़ती है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज डज नॉट इंक्रीज इन द नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, सो हियर वी कैन हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट दैट इज ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्योंकि डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल्स, कैश, बैंक, वो सब क्या है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल है जो हमारे पास थोड़े टाइम के लिए रहने वाली है कैपिटल। देन सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट कौन कौन से है, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एट्सेट्रा। देन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स ऑल द करंट असेट्स इन विच द वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड आर कवर्ड इन कन्वर्टेड इन टू द कैश इजीली, मीन्स ये सारी जो असेट्स है, करंट असेट्स है, जैसे कि डेटर्स, डेटर्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर मीन्स पैसे मिलने वाले हैं वो, तो अगर उनको बोलेंगे कि अब अगर आपको मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप 5000 रुपए की ज़रूरत है आपके पास से लेने हैं मुझे 5000, पर आप अगर 4500 आप दोगे मुझे तो आई विल बी हैप्पी विथ, तो अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है सो दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश, तो डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल जो है वो फ्यूचर में मिलने वाले थे, पर उसको बोला गया है कि आप अगर ऑन द स्पॉट दोगे तो आई विल गिव यू डिस्काउंट। एज अ बिजनेसमैन हम बिल्स रिसीवेबल पार्टी, सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट देंगे, तो दैट हैव टू बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश। ओके, वैसे ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो सॉरी डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, टर्म डिपॉजिट, तो ये सब जो है वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। देन लेस रिस्क, वर्किंग कैपिटल जो होता है उसके अंदर पैसे की ज़रूरत होती है और शॉर्ट टर्म के लिए, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज़ वेरी लो, क्योंकि कैश में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, ले भागू नहीं होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं तो सामने वाले डेटर्स जो है वो हमारे पैसे लेकर नहीं भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो भी थोड़ी सी अमाउंट होगी, छोटी अमाउंट होगी, तो यहाँ पर रिस्क कम से कम होता है। देन चेंजिंग फॉर्म, द फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड, जैसे कि रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फर्दर इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू डेटर्स इफ इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड इनटू कैश इफ सोल्ड इन द कैश बेसिस। ओके, तो ये जो है वो फॉर्म चेंज होता रहता है, जैसे कि रॉ मटेरियल लाए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, शुगर कैन, तो शुगर कैन लाए शुगर बनाने के लिए,
प्रोसेस किया शुगर कैन का, शुगर बना दी। अब वो शुगर जो है वो हम मार्केट में बेचेंगे। अब अगर क्रेडिट से बेचा है शुगर को तो हमारे डेटर्स अराइज होंगे, और अगर कैश से बेचा है तो हमें कैश मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर फॉर्म चेंज हो रहा है, मीन्स हमारा जो रॉ मटेरियल है अल्टीमेटली लास्ट में हमें कैश में ही कन्वर्ट करके देगा। देन टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, हर एक दिन का जो खर्च है वो पे कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस। नो डेप्रिशिएशन, यहाँ पर डेप्रिशिएशन नहीं होता है क्योंकि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश, बैंक, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं होता है। एंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड फॉर्म ऑफ द बिजनेस, जैसा जैसा टाइप होता है बिजनेस का, फॉर्म होता है, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एंड दस रेशियो इज डिफरेंट इन ईच बिजनेस, कोई सर्विस रेंडर करता है, कोई प्रोडक्शन करता है, तो वैसे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वर्किंग कैपिटल उस हिसाब से चाहिए। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपिटल को? फर्स्ट फैक्टर इज ऑफ टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कौन से टाइप का है उस हिसाब से बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है। सो वर्किंग कैपिटल उसके नेचर एंड टाइप के ऊपर जाता है। एग्जाम्पल दिया है, ट्रेडिंग यूनिट मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ओके, तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्रेडिट के ऊपर सामान बेचते हैं, तो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो करते हैं वो क्रेडिट पर खरीद करते हैं, क्रेडिट पर सामान बेचते हैं, तो दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। एग्जाम्पल दिया गया है, गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि सिर्फ उनको तो सप्लाई ही करना है, लेबर नहीं होते हैं। वाइल इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जैसे कि ट्रेडिंग प्रोडक्शन करने वाला होता है तो वहाँ पर लार्ज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे, उसका फिनिश गुड्स बनाकर सेलिंग करेंगे, सो दे नीड मोर एंड मोर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। वैसे साइज ऑफ बिजनेस है नेक्स्ट, द स्मॉलर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट लेसर वर्किंग कैपिटल, एंड ग्रेटर साइज ग्रेटर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नाउ प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छे से दिया गया है, कॉटन इंडस्ट्री एंड द जूट इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल एज द प्रोडक्शन साइकिल पीरियड इज लॉन्ग, व्हाइल बेकरी एंड डेयरी इंडस्ट्री रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज शॉर्ट। तो जो प्रोडक्शन साइकिल है जितना लेंदी होगा, टाइम ड्यूरेशन जितना लेगा उतना वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए। जैसे कि कोई भी एक, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बेकरी का, बेकरी के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर उसका जैसे ही प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं और दैट हैव टू बी एक्सपायर, और वो फिर कस्टमर्स प्रिफर नहीं करते, तो इसीलिए इनका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो शॉर्ट होता है। सेम वे जब कॉटन इंडस्ट्री है तो उसके अंदर कॉटन क्लोथ बनाना है, उसके बाद क्लोथिंग बनाना है, तो वो प्रोडक्शन साइकिल जो है वो लंबा रहता है और उसके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल नीड लेस वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल नीड मोर वर्किंग कैपिटल।
Now production policy and type of the demand. Here, large working capital is required if a demand of produced goods is seasonal. जैसे कि woolen cloths in the winter, umbrellas in the monsoon. And the business unit follows the steady production policy throughout the year. पर वो season में तो मिलता है वो product, पर उसका production throughout the year होता है, पूरे साल में production होता है. तो यहाँ पर company manufacture woolen cloths and 12 month के लिए पूरा, but the sale remains in the winter season only. Then stockpile of raw materials. Quality of stockpile of raw materials become a must. Its sources are limited. Or supplying is irregular or available in certain season only. तो यहाँ पर stockpile of raw material का मतलब है कि संग्रह करना. जब raw material जो है वो season में आता है, जैसे कि sugar cane है वो throughout year नहीं मिलता, उसकी season में ही उसका production होता है. वैसे ही cotton है वो पूरे साल में नहीं होता है, उसके seasonal products है. tobacco है वो भी seasonal products है. तो वैसे ही कोई भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सीजन वाइज मिलता है, तब उसको स्टॉक कर लेना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड द स्टॉक पाइल. देन क्रेडिट पॉलिसी. जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो क्रेडिट पर सामान बेचना पड़ता है. द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस इफ़ द पॉलिसी ऑफ सेल्स फिनिश्ड गुड्स इज ऑन कैश बेसिस. कैश बेसिस पर होती है तो वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम चाहिए. पर अगर क्रेडिट बेस पर सेल्स पॉलिसी होती है तो दे नीड वर्किंग कैपिटल मोर रिक्वायरमेंट. मटेरियल बेचने के टाइम पर वो क्रेडिट पॉलिसी अगर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते, सो दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल. सेम वे less working capital is required of raw material and easy available of credit in purchase of raw material are in the cash is required large working capital. okay, तो अगर purchase cash में purchase करना है तो हमें large working capital चाहिए. पर अगर credit में हमें raw material खरीदना है क्रेडिट पर, तो वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उधार हम खरीदी करेंगे तो वी नीड लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. नाउ कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स इनटू कैश. करंट असेट्स कौन कौन से हैं वो आपको खास याद रखना है. बैलेंस शीट अगर आपको याद हो तो उसके अंदर करंट असेट्स आते हैं. डेटर्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स ऑन कैश, कलेक्शन ऑफ बिल्स दैट इज बिल्स रिसीवेबल्स. तो ये जो सब है वो हम फिनिश गुड्स बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिल्स रिसीवेबल जो है उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिफोर द मैच्योरिटी डेट, और डेटर्स के पास से भी पैसे हम ले सकते हैं. सो दैट कन्वर्जन इज इन कैश इज इजीली कन्वर्टेड. देन स्टॉक टर्न ओवर रेशियो. लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर इन इफ स्टॉक टर्न ओवर रेट इज हायर एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड स्टॉक टर्न ओवर रेट इज लो बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक्ड अप इन फिनिश गुड्स. ओके, फिनिश गुड्स बनाकर स्टॉक कर लिया गया है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हायर होता है. सो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. पर मोर वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? जब स्टॉक टर्नओवर इज लोअर.
सो दैट पॉइंट यू हैव टू 1 मार्क में पूछ सकते हैं. देन ऑपरेटिंग इफिशियंसी, द मैनेजरियल ऑपरेटिंग इफिशियंसी मीन्स गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट. मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट मीन्स कम से कम एफर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा हम काम ले सकते हैं. द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. तो अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उसका अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मीन्स बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करेंगे, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. एंड रिड्यूसिंग ऑफ रिमूविंग वेस्टेज. तो मैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगा. एंड बाय प्रॉम्प्ट कलेक्शन, प्रॉम्प्ट कलेक्शन मीन्स बार बार जो कलेक्शन करेंगे उससे यही जो भी मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट करेंगे तो हम वेस्ट रिमूव कर सकते हैं. सो दैट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड मोर एंड मोर. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, डिवाइडेड एफर्ट्स, द कैश बिकम डिवाइडेड इज पेड इन कैश. तो जो प्रॉफिट होता है उसको कैश में डिवाइड करके दिया जाता है. इफ़ द कंपनी अलॉट अ मेजर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, अगर बड़ा सा पार्ट डिविडेंड में देगा तो वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू लार्ज आउटफ्लो ऑफ कैश. ओके, तो कंपनी अलॉट अ मेजर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. मीन्स डिविडेंड में अगर बांट देंगे पैसा तो कंपनी के पास नहीं बचेगा पैसा, तो वो बाहर से वर्किंग कैपिटल डिमांड करेंगे. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट सेशन में हम हमारा फिक्स्ड कैपिटल देखेंगे. टिल दैट थैंक यू.